ऑप्शन दिया। जगदीशपुर प्रखंड के साइनो पंचायत के कोला नारायणपुर गांव में सोमवार से श्रीमद् भागवत कथा शुरू होगी। पानीभूषण पाठक गिरिराज कथा कहेंगे। इससे पूर्व सोमवार को बूढ़ानाथ मंदिर से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्ग होते हुए जगदीशपुर के कोला नारायणपुर पहुंची। मुखिया भैरव यादव ने बताया कि सोमवार से कथा प्रारंभ हो जाएगी। इसका समापन 10 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान भक्ति ज्ञान परीक्षित जन्म, 12 अवतार, ध्रुव चरित्र, श्री कृष्ण जन्म तथा सुदामा चरित्र आदि कथा पेश किया जाएगा। शोभा यात्रा का उद्घाटन सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव ने किया। शोभा यात्रा में पूजा कुमारी, निधि कुमारी, संजू देवी, सुप्रिया कुमारी, श्यामा किशोर मिश्रा, सोनू यादव, सुशील यादव एवं करीब 500 महिलाएं कलश को लेकर चल रही थी। जगदीशपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। भागलपुर सुल्तानगंज के वाच थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में घरेलू विवाद का मामला प्रकाश में आया है, जहां भाई ने ही अपने बड़े भाई व उनके पत्नी रंजू देवी को गाली गलौज व मारपीट कर जान से मारने की धमकी तक दी है। वहीं इस मामले में रंजू देवी ने बताया कि देवर अनिल कुमार सिंह व उनके पत्नी मंजू कुमारी व उनके पुत्र नीलेश कुमार व अक्षय कुमार ने मारपीट कर घर में घुसकर 10,000 रुपया व जमीन खाली कर देने की बात कही है, नहीं तो जान मार देने की बात कही। इस मामले में बाद थाना व अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन दिया गया। दो दिन बीत जाने के बावजूद भी थाना और सीओ अंचलाधिकारी द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं किया गया, जिससे लोग दहशत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सुल्तानगंज से संजीव कुमार के साथ संतोष राज की रिपोर्ट। आज सुबह 10 बजे के लगभग अनिल कुमार सिंह आया, उसकी वाइफ मंजू देवी जो की कटरा हाई स्कूल की शिक्षिका है मंजू कुमारी आई, और यहाँ पे वो बांस गाड़ने लगा, माँ को मारा उड़ा, सामान फेंक दिया, अचार फेंक दिया, जितना चीज था सब कुछ फेंक दिया। कौन आए थे? अनिल कुमार सिंह। और अनिल कुमार सिंह कौन है? स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय केदारनाथ सिंह के द्वितीय सुपुत्र है और हमारे चाचा है। और कुमारी का तालाब भी। जिस टाइम वो आए थे उस टाइम घर में कौन कौन था? सिर्फ माँ थी मेरी। माँ के साथ क्या क्या किए? वो मारपीट किया, धमकाया, सामान उमान फेंका, बोला कि ज्यादा बोलेगी तो मार देंगे जान से, तुम अकेली बुढ़िया रहती है, पैसा वैसा भी जो था वो ले लिया, कागज पत्र चुरा लिया, और 10,000 वो 10,000 पैसा भी निकाल के ले लिया। फिलहाल घर में बांस, कच्चा बांस लगा के और आधा से अधिक वो ले लिया, घेराबंदी कर दिया। पैसा कहाँ से लिए थे वो? घर में ताला तोड़ के, दरवाजा का कब्जा भी तोड़ दिया, उसमें घुस के ले लिया। अलमीरा भी है इसमें। अलमीरा भी है, उसका भी वो तोड़ दिया। आप कौन हुए उनके? हम उनके भतीजी है। आपके पापा का नाम? श्री अरविंद कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले? दौलतपुर ग्राम, पोस्ट खानपुर मार्ग, पीएस पुलिस स्टेशन हमारा बात है, डिस्ट्रिक्ट भागलपुर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अन्नपूर्णा कुमारी है, मेरी माँ का नाम रंजू। 10 बजे अनिल कुमार सिंह आया, मेरा देवर है, हम पूजा कर रहे थे, और आया अचानक, मेरा तालाब तोड़ दिया, कब्जा सहित सबका तोड़ दिया, खूब हट हट करके भी किया है, हमको भी डर लगा, हम कुछ नहीं बोले, जरा सा निकले ना कहे कि यह क्या कर रहे हो, तो हमको गाड़ी गलौज मारने के लिए उतारू हो गया, उसमें मेरा 10,000 रुपया भी था, वो भी वो ले लिया। मेरा कोठी में बड़ा कोठी है, उसमें भी मेरा बूट है, 5 मन बूट है, वो भी मेरा वहीं पड़ा हुआ है,
उसी रूम में, और रूम को भी जब्त कर लिया, जबकि मेरा भी उसमें आधा हिस्सा होगा, मेरा उसका भी होगा। कच्चा बस। और क्या क्या किया? और क्या क्या किया? उसके बाद वो घेरना शुरू कर दिया। अच्छा। बाहर में तो घेर ही दिया, आई अंदर में भी बांस ले लेकर के घेरना शुरू। मेरा सामान भी। आप घेरने का विरोध किए तो वो क्या बोले? वही विरोध किए ना, तो बोले कि गाड़ी भी देने लगे। हम कहे दरोगा साहब को कह देंगे, बोले कि तुम्हारा नशा है या गंदा गंदा गाली देने लगा, और हमको थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो गया। तो हम चुप लगा लें, क्योंकि हम अकेले हैं घर में, मेरे मालिक नहीं है, यहाँ बाहर गए हुए हैं। आपको जान से मारने का धमकी भी दिया था क्या? जान से मारने इतने खकुर के बोल रहा कि तुमको मारिए, क्या करेगा दरोगा, ऐसे करके वो बोलता था। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सन है यह, वो गंदा गंदा गाली देने लगा। मेरा नाम है रंजू देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दौलतपुर के रहने वाले हैं।